हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित। स्वागत है आपका मेरे चैनल टैग हर्षित में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर वेरिफिकेशन वैज किस तरीके से इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों, जिनके चैनल बड़े बड़े होते हैं उनके चैनल पर आपको वेरिफिकेशन वैज देखने को मिलता है। जहाँ भी वो कमेंट करते हैं वेरिफिकेशन वैज आता है, एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है उसकी। कैसे इनेबल कर सकते हैं आज के इस वीडियो में, क्या उसका क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना। पर उससे पहले, अगर पहली बार आ रहे हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं आपको पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देना चाहता हूँ, आपको क्या क्या पूरा करना पड़ेगा वेरिफिकेशन वैज के लिए। नंबर फर्स्ट चीज़ ये है, आपके यूट्यूब चैनल का लोगो एंड चैनल आर्ट थोड़ा अच्छा होना चाहिए, HD क्वालिटी में होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज़, आपके YouTube चैनल का जो अबाउट सेक्शन होता है उसमें प्रॉपर लिखा होना चाहिए कि आपके चैनल पर किस तरीके का कंटेंट आता है वगैरह वगैरह, आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। थर्ड चीज़ ये है कि आपको अपने YouTube चैनल पर अदर सोशल मीडिया लिंक्स डालने हैं, जैसे Facebook, Instagram, Twitter, ठीक है जी। आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जहाँ डाला जाता है वहाँ पर भी डाल सकते हैं, एंड अपनी सभी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया के लिंक्स डाल देना है, ठीक है जी। फोर्थ चीज़ ये है कि आपके चैनल पर कोई सेक्सुअल कंटेंट नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर आप होने चाहिए। फिफ्थ चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपके चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने चाहिए। यस, आपको 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे वेरिफिकेशन बैच के लिए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर आपके चैनल पर स्ट्राइक होगा कोई सा भी तो वेरिफिकेशन बैच यूट्यूब नहीं देगा, जबकि ऐसा नहीं है। रिसेंटली मेरा फ्रेंड है, उसके चैनल पर एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ी हुई थी, उसने वेरिफिकेशन बैच के लिए अप्लाई किया और उसको मिल गया। तो स्ट्राइक वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है वेरिफिकेशन बेस में। अब एग्जैक्टली बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे कर सकते हो। दोस्तों, नॉर्मली बता रहा हूँ, समझ लेना। गूगल पर जाना है, आपको सर्च करना है यूट्यूब चैनल वेरिफिकेशन बेस। जैसे आप सर्च करेंगे, नंबर फर्स्ट पे जो वेबसाइट मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह लिखा होगा, और जो मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ यहाँ पर, ये जो रेक्टेंगल बनाए, यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा जब आपके चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होगा। अगर आपके चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए और यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान रखना। पहली चीज़, ऊपर आप जो देख रहे हो मेरे चैनल का लोगो दिख रहा है, वो देखना आपके यूट्यूब चैनल का लोगो ही है कि नहीं जिस पे 1 लाख सब्सक्राइबर है। अगर नहीं है तो उस पर क्लिक करके आप उस चैनल से साइन इन करें जिस पे आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हैं, ठीक है। अगर वही है तो कोई दिक्कत ही नहीं। उसके अलावा अगर आपके चैनल का लोगो आ रहा है जिस पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उसी से साइन इन है, उसके बावजूद अप्लाई नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो अगर एक चीज़ हो सकती है वो ये कि हो सकता है आज ही आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो, ठीक है। तो आपके जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके 2 से 3 दिन वेट करना है, 2 से 3 दिन के बाद वहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आने लगेगा, ठीक है। अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो नॉर्मली आपको यूट्यूब चैनल का नाम लिखना है एंड यूट्यूब चैनल आईडी लिखना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे यूट्यूब के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी वेरिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पर यूट्यूब सारी चीज़ चेक करेगा कि आप ओरिजिनल क्रिएटर हो कि नहीं, अबाउट सेक्शन अगर सही से लिखा है कि नहीं, सारी चीज़ जो मैंने बताया वो सारी चीज़ चेक करेगा। अगर आप सही होंगे तो आपको वेरिफिकेशन बैच मिल जाएगा, 3 से 4 दिन के अंदर मिल जाता है। तो इस तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल वेरिफिकेशन बैच इनेबल कर सकते हैं। क्या क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, इस तरह की वीडियोज़ चैनल पर आपको मिलती रहती है। एंड अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।